भी बताया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, यह मोक्ष का मार्ग है। यह कब मिलता है कि जब हम महापुरुषों की स्तुति करते हैं, गुणगान करते हैं, उनका गुण संकीर्तन करते हैं, तब हम ये प्राप्त होता है। बंधुओं, हमारे एक महान आचार्य हुए जिनका नाम था आचार्य हेमचंद्र सूरि। आचार्य हेमचंद्र को कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है। इस शब्द का अर्थ है जो इस काल के कलियुग के पंचमारी के इस काल के जो सर्वज्ञ थे, इतने बड़े ज्ञानी थे, इतने बड़े विद्वान थे कि उन्हें आज का सर्वज्ञ कहा गया। आचार्य हेमचंद्र सूरि ने कहा, वीतरागो भवे जीव है वीतरागम विचिंतयन। वीतराग का, वीतराग तो आप समझते हैं जिसके राग और द्वेष नष्ट हो गए हैं, वीतराग परमात्मा होते हैं, वीतराग भगवान होते हैं। वीतरागो भवे जीव है वीतरागम विचिंतयन, यह जीव वीतराग का चिंतन करके वीतराग हो जाए। भाई और बहनों, वीतराग का चिंतन करके, क्योंकि जैसा चिंतन करेंगे वैसे संस्कार बनेंगे, वैसा जीवन बनेगा। वीतराग का अगर चिंतन करेंगे तो सचमुच में यह जो हमारा जीव है, आत्मा है, यह वीतराग हो जाएगी, अर्थात भगवान हो जाएगा। मैं ये सारी बातें कुछ कहने के लिए कह रहा हूं, मुझे कुछ बताना है आपको, इसलिए कह रहा हूं। पहली बात हमने जानी कि स्तुति करने का फल है मोक्ष का मार्ग पाना। दूसरी बात मैंने बताई, वीतराग का चिंतन करने से जीव वीतराग हो जाता है। अतएव चिंतन करना चाहिए महापुरुषों का, वीतरागों का, और क्या फल होता है इसका। एक और हमारे आचार्य हुए जिनका नाम सिद्ध सेन दिवाकर था, नाम तो सुना पढ़ा होगा। जैसे हमारा भक्तामर स्तोत्र है जो आचार्य मानतुंग ने रचा, ऐसे ही एक और स्तोत्र है, उसका नाम है कल्याण मंदिर स्तोत्र। क्या नाम लिया मैंने? कल्याण मंदिर स्तोत्र। उसकी रचना हमारे महान विद्वान आचार्य सिद्ध सेन दिवाकर ने की थी। आचार्य सिद्ध सेन दिवाकर कल्याण मंदिर स्तोत्र में क्या कहते हैं? आस्ताम चिंत महिमा जिन समस्त वस्ते नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति तीव्रातपोपथ पान्थ जना निदाघ प्रेणाति पद्म सरस सरस नीलोपी। आचार्य देव ने फरमाया, एक आदमी चला जा रहा था, गर्मी का समय था, भयंकर गर्मी पड़ रही थी, जमीन तप गई थी, ऊपर से सूर्य की भयंकर किरणें पड़ रही थी, गरम गरम हवा चल रही थी,
पर कोई जरूरी काम था, वह व्यक्ति चला जा रहा था। जाना होता है, जिसको जरूरी जाना है, जाना है। वह आदमी इस धूप से आक्लांत हो गया, दुखी हो गया, उसे प्यास भी लगाई, उसे लगने लगा कि वो कैसे पहुंचेगा, उसके साथ क्या होगा, पर जा रहा था। ऐसे में जाते हुए उस भयंकर गर्मी में बंधुवार बहनों तत्व को समझना, क्या कहा जा रहा है, आचार्य देव क्या कह रहे। उस भयंकर गर्मी में कहीं से हवा का एक झोंका आया, हवा का झोंका आया, और वह हवा का झोंका ठंडा था। उस गर्मी में जब जमीन तप रही थी और ऐसे में हवा का ठंडा झोंका आया, वो रुक गया वहीं। और आचार्य देव उसके मन की स्थिति बताते हैं। उसने तत्काल सोचा, इधर कहीं पानी है, कोई बड़ा तालाब है, कोई बड़ी नदी है, कोई चीज है इधर जिसके ऊपर से ये हवा गुजर कर आई है, इसलिए ये ठंडी है। उसे प्यास लगी थी, उसे पानी चाहिए था। उस ठंडी हवा के झोंके से उसने अनुमान किया, इधर पानी, और वह तत्काल उधर मुड़ गया, आगे चला। आगे जा कृष्ण देखो, एक बड़ा विशाल तालाब था। पर तो गर्मी रही थी, पर वो गर्म हवा जो उसके ऊपर से गुजरती थी, वह गर्म हवा कैसी हो जाती, ठंडी होकर आ रही थी। उसने अपनी प्यास बुझा ली, उसकी गर्मी शांत हो गई। हुआ सब कैसे, उस हवा से पता चला, उस हवा से पानी का बोध हुआ। आचार्य देव कहते हैं, प्रभो आपका नाम लेने से, आपका सुमरण करने से, जैसे उस यात्री को ठंडी हवा का झोंका मिला था, हम संसार में रहने वाले, हम जीव तप रहे हैं, हमें भी हवा का ठंडे झोंके की तरह से आपकी स्तुति और आपके नाम से ठंडक मिलती है। ऐसे ही होता है, जब भगवंतों का नाम लेते हैं, हमारे को ठंडक प्राप्त होती है। यह हमारा भाग्य है, सौभाग्य है, जो हमें ऐसा सुअवसर प्राप्त हुआ करता है कि हम प्रभु का नाम ले और हमारी तपती हुई आत्मा, हमारा तपता हुआ जीवन शांत हो जाए। बंधुओं, इस बात की महिमा को महान कवि तुलसीदास ने भी गाया, और तुलसीदास ने कहा, राम कथा सुने नहीं जिन काना, श्रवण रंध्र ते आहि भुवन समाना। तुलसीदास ने कहा, जिस व्यक्ति ने परमात्मा की कथा नहीं सुनी, राम कथा जिन सुनी नहीं काना, अपने कानों से जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी, आगे तो बहुत कठोर कह दिया, श्रवण रंध्रते अहि भुवन समाना, उस व्यक्ति के कान कान नहीं है, वे तो सांप के बिल हैं। क्या है ये बात, क्यों कही ये बात? इसलिए कही कि तमाम जिंदगी या सारा दिन निंदाएं सुनते रहे, पाप सुनते रहे, तो जैसे सांप बिल में जाते हैं, ये निंदाएं और पाप हमारे कानों में यही आते रहे, भगवान का तो नाम सुना ही नहीं,
कीर्तन तो सुना ही नहीं, कीर्तन तो किया ही नहीं, भगवान का नाम भगवान की कथा सुने नहीं, हमारे ये कान कान नहीं रह गए, हमारे ये कान तो सांप के यानी पाप के बिल हो गए, जहां पर पापों के सांप प्रवेश करते रहते। बंधु प्रभु की कथा की ऐसी ही बात है, ऐसी ही महिमा है। प्रभु की कथा सुन करके हम अपने आप को धन्य बनाएं, अपना समय और जीवन सार्थक बनाएं, अपने आप को हम अपना जीवन सफल बनाएं। दो पंक्तियां महावीर कथा को श्रवण करो, महावीर महावीर कथा को श्रवण करो, महावीर आत्म भाव में रमण करो, आत्म भाव में रमण करो, महावीर श्रवण करो, महावीर प्रभु कथा पाप हरने वाले, प्रभु कथा पाप हरने अंतर मन निर्मल करने वाले, अंतर मन निर्मल करने भाव भाव के दुख का हरण करो, भाव भाव के दुख का महावीर कथा का श्रवण करो, महावीर कथा महावीर कथा का श्रवण करो, महावीर कथा बोलो। भगवान महावीर स्वामी के आपने सुना नए सार कि आत्मा अनेक भाव करते हुए 27वें भाव में प्राणत नाम के देवलोक में स्थित थी, 26वें देवलोक में उस आत्मा ने तीर्थंकर गोत्र का बंध किया था। अब उस आत्मा ने यहां जन्म लेना है और तीर्थंकर होना है, स्वयं का और दूसरों का कल्याण करना है। जन्म लेने के लिए कौन सा वो पुण्यशाली स्थान है, कौन वो पुण्यशाली माता पिता हैं जिनको ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा।
इसको जानने के लिए हम उस समय के युग में चलते, महावीर प्रभु के जन्म से पहले यहां इस भारत भू पर क्या स्थितियां थी, कैसे हालात थे, किस तरह क्या हो रहा था, थोड़ा सी युग का दर्शन करते हैं। बंधु उस युग में जब कि मैं बात करने जा रहा हूं, इस भारत भू पर वैशाली नाम की एक बड़ी विशाल और समृद्ध नगरी थी वैशाली। उस समय में वैशाली का वैभव, इसका नाम शिखरों पर था, देश में सर्वत्र वैशाली का यूं कहूं डंका बजता था। वैशाली, वैशाली में चेतक नाम के राजा राज्य करते थे। चेतक का नाम भी आपने सुना है, जैन इतिहास में भी और इतर इतिहास में भी चेतक उस जमाने का बड़ा प्रसिद्ध और धुरंधर राजा था। राजा चेतक की रानी का नाम सुभद्रा था। राजा चेतक की बात फिर से करते हैं। चेतक बड़ा विचारशील राजा था। इसने अपनी जनता के सुख दुख का बहुत ख्याल किया था।